बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन आधा किलो, ऑयल चाहिए हमें हाफ कप, अदरक और लहसुन पेस्ट चाहिए हमें 2 टेबलस्पून, टमाटर हमने ले लिए 2 बड़े साइज़ के, जिसे मैंने इस तरह से छिलका उतार लिया है और इसे गोल राउंड में कट कर लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए कुटी हुई मिर्चें तकरीबन 1/2 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा तकरीबन 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पिसी हुई 1/2 टीस्पून, ये रेड चिल्ली लाल मिर्च पाउडर है 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, चिल्ली सॉस 2 टेबलस्पून, और हमें कुछ अदरक चाहिए होगी गार्निशिंग के लिए इस तरीके से कटी हुई, और इसके अलावा हमें लेमन चाहिए 1 लेमन और तकरीबन 5 से 6 अदद बड़ी हरी मिर्च। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं कढ़ाई बनाना। लेंगे और गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो जाए तो इसमें आप डाल दीजिए अदरक और लहसुन पेस्ट और इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लीजिए, थोड़ा सा पका लीजिए। ये देखिए हमारा जो अदरक लहसुन है वो इसमें पक चुका है और अब हम चिकन डाल देंगे। चिकन डालकर अच्छी तरह भून लीजिए, तेज़ आंच पर भूनिएगा। चिकन का सारा पानी जलाना है हमें और चिकन को कलर देना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसे भूनते हुए और इसमें कलर आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और अब हम इसकी आंच को नॉर्मल करके इसे ढककर रख देंगे और इसे ढककर रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। देखिए हमारे टमाटर तकरीबन गल चुके हैं। देखिए अब हमारे पास जितने भी हमारे मसाले हैं, कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च, ज़ीरा, ये सब डाल देंगे और अब आप इसको भूनेंगे। अच्छा, मैं अपना जो सारा मसाले थे उसमें एक चीज़ बताना आप सब लोगों को भूल गई, माफ़ी चाहती हूँ, मैं दही बताना आप लोगों को भूल गई थी। तो इसमें 2 टेबलस्पून हमें दही भी डालना है। देखिए कितना अच्छा कलर आया, ये लिखिए 1 और ये 2 टेबलस्पून हम दही डालेंगे और अच्छी तरह सारे मसालों को भून लेंगे। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत आसान और बिल्कुल बाज़ार जैसी कढ़ाई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए टमाटर का बिल्कुल छिलका नहीं है। अब जब हम इसे भूनेंगे तो ये टमाटर भी बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा और वो एक आपको अच्छा सा मसाला अरोमा देगा
ये देखिए इस तरीके से चमचे की मदद से आप इसे इस तरीके से टमाटर को तोड़ते जाइए। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए जो टमाटर हैं आपके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 4 मिनट हो गए, हमारे जो कढ़ाई है उसके मसाले भी बन गए हैं और तकरीबन टमाटर भी गल चुके हैं अच्छी तरह और भून चुका है, ये तेल ऊपर आ गया है। इस स्टेज पर आकर हम इसमें ये जो हमारे पास लेमन था एक, वो हम डाल देंगे। ये लेमन डाल दीजिए, और इसके बाद ये हमारे पास चिल्ली सॉस है, ये डाल दीजिए, और ये हमारे पास जो हरी मिर्चें हैं इसे डाल दीजिए 5 से 6 अदर, कुछ हमारे पास ये अदरक है इसे डालकर 2 से 3 मिनट के लिए ढककर रख दीजिए। हमारे रहीम ये देखिए हमारी कढ़ाई रेडी है, ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल ऐसी कढ़ाई बनी है जैसी बाज़ार में या रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिलती हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा, बहुत इजी और झटपट बनने वाली। इंशाल्लाह फिर हम कोयला कढ़ाई, वाइट कढ़ाई तो मैं दे चुकी हूँ अपनी रेसिपीज़ में, कोयला कढ़ाई, ग्रीन कढ़ाई, शनवारी कढ़ाई, इंशाल्लाह वन बाय वन शेयर करूँगी रेसिपी। अब हम लोग डिश आउट करते हैं। ये देखिए हमारी कढ़ाई रेडी है, जब आप डिश आउट करें तो इस पर थोड़ा सा ये अदरक इस तरीके से डाल दीजिएगा, अच्छा लगता है खाने में। प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह।